प्रेजेंटिंग यू द टेल ऑफ टू सिस्टर्स। दो बहनों की कहानी है जिनके बाबा ने दो शादियां की हुई होती हैं और उनकी स्टेप मदर उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। बड़ी बहन का नाम सुमी होता है और उसका दिमागी मसला होता है। वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बताती है कि उसकी याददाश्त कभी कभी बिल्कुल खो जाती है। डॉक्टर उसे उसका नाम पूछता है तो सुमी को अपना नाम भी याद नहीं आता है। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों बहनें अपने बाबा के साथ कहीं से घूम कर आती हैं और वो दोनों अब बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, हंस रही होती हैं। उनकी स्टेप मदर उनकी आवाज़ सुन लेती है और उनको अपने पास बुलाती है। वो उन दोनों को डांटने लग जाती है क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमी अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से ले जाती है। वो पीछे खड़ी फिर भी चिल्लाती रहती है। सुमी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि सब कुछ सेट है, कबर्ड में कपड़े भी बिल्कुल ठीक से पड़े हुए हैं। सुमी को ये सब कुछ देखकर पता चल जाता है कि उसकी स्टेप मदर ने ये सब किया है। वो उसके बाबा को मुतासिर करने के लिए ये सब करती है। अब वो सब लोग खाने की मेज पर इकट्ठे होते हैं। सुमी अब खाना छोड़कर अपने बाबा के कमरे में उनके कपड़े सेट करने के लिए चली जाती है। जब उनकी स्टेप वाइफ वहाँ पे जाती हैं तो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो आकर सुमी से कहती हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं है, ये मेरे भी शौहर हैं। और अब दिखाया जाता है कि सुमी के फादर को कोई कॉल आता है। वो उनसे बात करते हैं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर नहीं हैं। और फिर वो आकर बताते हैं कि उन्होंने अपने भाई और भाभी को बुलाया है क्योंकि सुमी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके आने से शायद उसको अच्छा महसूस होगा। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि उनको मैंने बुलाया है। और फिर से सुमी और स्टेप मदर के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है। अब सुमी के फादर वहाँ से उठकर चले जाते हैं और जाते हुए अपनी बीवी के पास दो गोलियाँ भी रख देते हैं। रात हो जाती है, सुमी की छोटी बहन सोने लगती है तो उसकी स्टेप मदर उसको डराने लग जाती है और फिर वो डरकर अपनी बहन सुमी के कमरे में आ जाती है। अब सुमी और उसकी बहन दोनों सो जाते हैं मगर सुमी को अब ख्वाब आने लग जाता है। वो ख्वाब में अपनी असली माँ को देखती है और वो देखती है कि उसकी बहन पर खून लगा हुआ है। सुमी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ की रूह उसके सामने खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है मगर अब की बार डरने से सुमी की सचमुच आंख खुल जाती है। फिर वो कुछ लेने के लिए नीचे जाती है और उसकी स्टेप मदर भी जाग रही होती है। फिर वो अपनी मामा का बॉक्स निकालती है और उसमें कुछ तस्वीरें मौजूद होती हैं। वो तस्वीरें उनके ख़ानदान की होती है जब वो बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इन तस्वीरों की मदद से सुमी को पता चलता है कि जब उसकी मामा बीमार थी तो उनके ख्याल रखने के लिए जो नर्स रखी गई थी वही उनकी स्टेप मदर थी। ये देखकर सुमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इतने में उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है। वो सुमी को गुस्सा करने से मना करती है। फिर सुमी देखती है कि उसकी बहन के बाजू पर एक निशान है। वो गुस्से से पूछती है कि ये कैसे हुआ है। उसको लगता है कि शायद स्टेप मदर ने कुछ किया है। अब सुमी के चाचू और उनकी बीवी दावत पर आ जाते हैं मगर डाइनिंग टेबल पर वो दोनों बहनें मौजूद नहीं होती हैं। वो लोग खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं मगर अचानक से सुमी की चाची की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। वो वहीं से वापस चले जाते हैं और फिर वो अपने शौहर को बताती हैं कि उनके घर में कुछ है और वो बताती हैं कि उन्होंने एक साया देखा था। अब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर दिखाया जाता है कि सुमी की स्टेप मदर को भी उसी जगह पर एक साया नज़र आता है जहाँ पर उसकी चाची को नज़र आया था। अब उन्हें नीचे एक पिन गिरी हुई नज़र आती है। वो उसको उठाने लगती है तो एक हाथ उन्हें रोक देता है। वो चिल्ला के पीछे मुड़ती है तो पीछे कोई बच्ची ग्रीन फ्रॉक में खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और चिल्लाते हुए अपने शौहर के पास जाती हैं और उनको सब बताती हैं मगर वो यकीन नहीं करते। वो अपनी बेटी सुमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि घर में क्या मसला है। वो उनको कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो अपने पापा को अच्छा इंसान नहीं समझती थी। सुमी अपनी बहन से बैठकर बातें कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि अगली सुबह उनकी स्टेप मदर देखती है जगह जगह पर परिंदे मरे पड़े हैं और वो सुमी की छोटी बहन को पकड़कर एक कबर्ड में बंद कर देती है। इतने में वहाँ पर सुमी आ जाती है और वो उसको निकालकर अपने गले से लगा लेती है।
सुमित के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या मसला है, तो सुमित चिल्लाने लग जाती है कि आपको नज़र नहीं आता कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है, वो मेरी छोटी बहन को मारती है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन बहुत पहले से मर चुकी है और उसी के जाने की वजह से सुमित की दिमागी हालत भी ख़राब हो गई थी और इसी वजह से वो हॉस्पिटल भी जाती थी और उसकी छोटी बहन उसके ख्यालात में होती थी क्योंकि वो तो बहुत पहले से मर चुकी थी। अब सुमी की स्टेप मदर किसी चीज़ को मार रही होती है तो फिर से सुमी को लगता है कि शायद उसकी बहन को मार रही है और वो फिर से आती है और स्टेप मदर के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उसकी स्टेप मदर उसको मारती है और वो नीचे गिर जाती है। अब वो कोई और चीज़ उठाकर मारने ही वाली होती है कि इतने में सुमी के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। सुमी को वहाँ से ले जाकर एक सोफे पर बिठाते हैं और अब सुमी की स्टेप मदर भी वहाँ पर आ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सुमी और उसके फादर अकेले ही इस घर पर आए थे क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और उसकी बहन की भी डेथ हो चुकी थी और सुमी की कोई स्टेप मदर भी नहीं थी, वो सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी यानी कि तखयल था। और उसकी स्टेप मदर जब भी उसके बाबा से बात करती थी तो उसका जवाब इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो असल में सुमी ही थी, उसकी स्टेप मदर नहीं थी। घर में जो कुछ भी होता था वो सब कुछ सुमी का तखयल यानी कि इमेजिनेशन था और वो दवाई उसके सामने इसलिए रखते थे ताकि वो उस दवाई को खा ले। अब दिखाया जाता है कि सुमी को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया था। सुमी को वही जो स्टेप मदर नज़र आती थी वही नर्स वहाँ पर मिलती है और वो अब घर पर चली गई थी। एक दिन अचानक सुमी को एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचती है कि उसकी बहन को तो सीटी बजानी आती नहीं थी और उसकी स्टेप मदर को भी वही सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचती है कि शायद अब उसकी बहन को सीटी बजानी आ चुकी होगी और उसकी बहन की सोल उस स्टेप मदर को मार देती है। ये सोचकर अब सुमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा पुरसकून भी दिखाई देती है। अब कुछ अरसा पहले दिखाया जाता है जब उसकी मामा बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो नर्स उनकी टेक केयर करने के लिए आई थी। सब लोग चाहते थे कि उसके पापा उससे शादी कर लें क्योंकि उसकी मामा अब मरने वाली थी। सुमी की मामा और वो दोनों बहनें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से सुमी की मामा ने एक दिन अलमारी में खुदकुशी कर ली थी। सुमी की बहन ये देखकर बहुत परेशान हो गई थी, उसने उनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर तब तक वो मर चुकी थी और अब वो चिल्ला रही होती है और अपनी मामा को अपनी तरफ खींच रही होती है कि अलमारी उसके ऊपर आ गिरती है। सुमी और वो नर्स शोर की आवाज़ सुनकर उस तरफ जाते हैं। वो जाकर देखते हैं कि अलमारी गिरी हुई है और वो मर चुकी है। सुमी ये सब देखकर नर्स पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मगर नर्स उसे कहती है कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। सुमी ये सब कुछ एक ही वक्त में बर्दाश्त नहीं कर सकी थी जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और अब वो इसी वजह से हॉस्पिटल भी जा चुकी थी। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।